नमस्कार जय द्वारकाधीश। आज आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर पाएंगे द्वारका के पवित्र स्थल गोमती नदी के। गोमती नदी के तट पर बसे हुए सभी मंदिर और सभी घाटों के दर्शन इस वीडियो के माध्यम से आप कर पाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर की 56 सीढ़ी से नीचे उतरते ही गोमती माता का मंदिर है। श्री गोमती माता, श्री लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की यहाँ मूर्ति है। गोमती नदी के घाट पर रोजाना हजारों यात्री स्नान करते हैं और इस नदी का पानी बहुत ही साफ है। गोमती नदी के तट पर 16 घाट बने हुए हैं। नदी के अंदर बोट राइडिंग भी करवाया जाता है। बोट राइडिंग का पर पर्सन 100 रुपए चार्ज है। बोटिंग का आनंद लेते हुए यहां पे आप द्वारका नगरी को भी देख सकते हैं। नदी के तट पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके दर्शन का आप लाभ ले सकते हैं। घाट पर बने सभी मंदिर बहुत पुराने हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर का नाम है रामेश्वर महादेव मंदिर। महादेव का यह मंदिर बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे स्थित है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इन सभी घाटों पे लोग दीपदान करते हैं और पिंड दान करते हैं। थोड़ा आगे ही चलते एक मंदिर में आरती हो रही थी जिनका लाभ लेने के लिए हम भी यहाँ रुक गए। नदी में बहुत सारी मछलियां हैं जिनको खिलाने के लिए आटे से बने हुए छोटे छोटे लड्डू मिलते हैं। आप जब कभी गोमती घाट पर जाइएगा तो इन मछलियों को ये छोटे छोटे लड्डू डालकर जरूर खिलाइए। राम घाट पर बना ये राम जी का प्राचीन मंदिर जिसको खाक चौक भी बोला जाता है, यहाँ पे साधु संतों को हर रोज निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। गोमती घाट पर आपको समुद्र का खजाना यानी शंख, गोमती चक्र और बहुत सारी अन्य चीजें भी आपको मिल जाएंगी। गोमती घाट पे चलते चलते अब हम आ गए हैं आखिरी घाट पे जिसका नाम है संगम घाट, जहाँ पे नदी और समुद्र का संगम होता है। और इस घाट पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है श्री संगम नारायण मंदिर। मंदिर के पास से ही बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही आपको दिखेगा बहुत ही विशाल अरब सागर। ये द्वारका का आखिरी छोर है जिसके बाद पूरा समुद्र ही समुद्र है। समुद्र के किनारे एक बहुत ही विशाल टावर है जिसको लाइट हाउस बोलते हैं, जो समुद्र में जाने वाले नाविकों को किनारा दिखाने के लिए है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।